बोर्ड एग्जाम को देने वाला विद्यार्थी इस सपने के साथ जाता है, इस एम के साथ जाता है कि वह अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करेगा, अपने एग्जामिनर को वह मजबूर कर देगा कि वह उसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे और बेहतरीन से बेहतरीन वह स्कोर करे, अपने एग्जामिनर से वह ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कम से कम एफर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए, अपने लगाए हुए एफर्ट के जरिए और साल भर उस सब्जेक्ट में उस पेपर के लिए जो उसने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड वह अपने एग्जामिनर से ले पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैंने पेपर के अंदर बहुत बेहतरीन एफर्ट लगाया, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाया, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स वैसे नहीं आए जैसा मैंने सोचा था। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी छोटी से छोटी कुछ गलतियां आप ऐसी करते हैं जो एग्जामिनर को मौका देती है आपके मार्क्स को कट करने को। आइए जानते हैं ऐसी ही छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो आप अपने एग्जाम में करते हैं और एग्जामिनर को मौका देते हैं कि वो आपके मार्क्स को कट करे और आपके रिजल्ट पर उसका इफेक्ट आए। तो हम इन गलतियों को सुधारते हुए अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतरीन करें और इस निश्चय के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ, इस संकल्प के साथ जाएं कि हम बोर्ड एग्जाम में अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और इन गलतियों को अवॉइड करेंगे। सबसे पहले जान लें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी विद्यार्थी जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखता है, दोस्तों जब हम बोर्ड एग्जामिनेशन के हॉल में जाते हैं तो हमारे अंदर नर्वसनेस होती है, एक प्रेशर फील होता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस पता होता है कि यह जो मार्क्स हमें मिलेंगे यह हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। आपके क्लास 10th क्लास 12th के मार्क्स हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, किसी भी जगह एडमिशन लेंगे, आप आगे जो करियर बनाएंगे वह सभी चीजें इन्हीं 10th और 12th के मार्क्स पर डिपेंड करती है। इसलिए जब आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखें तो कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस के अंदर, यानी स्टार्टिंग के 4-6 पेजेस के अंदर आप अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाएं, यानी पेपर के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस को आप करें जिनके आंसर्स आपसे बेहतरीन उस एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी नहीं जानता है। यानी कि आप अपने आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करें जिससे एग्जामिनर को यह लगे कि यह जितनी भी कॉपी मैंने चेक की है उसमें यह कॉपी सबसे बेस्ट कॉपी रही है और इस बच्चे ने पूरे से पूरा एफर्ट अपने इन 5-6 पेजेस के अंदर अपने स्टार्टिंग में ही दिया है, यानी कि यह स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन है। इसके लिए जब भी आप क्वेश्चंस के आंसर को लिखें, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर को मेंशन करें, उस आंसर को बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज, वर्ड लिमिट के साथ, हेडिंग, ये सारी चीजों को स्पेसिफाई करें और जब भी किसी आंसर को खत्म करें उस आंसर को आप सेपरेशन लाइन खींच करके 1-2 लाइन छोड़ने के बाद अगले क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट करें। ये चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उस एग्जामिनर से ले पाएंगे। दूसरी बात आपको इसी के अंदर ऐड रखनी है कि जब भी आंसर की स्टार्टिंग करें तो आंसर की स्टार्टिंग बहुत बेस्ट होनी चाहिए। आपका आंसर बीच में थोड़ा हल्का हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। कंटेंट पूरा होना चाहिए, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड आंसर आपको लिखना होगा। दूसरी बात ध्यान रखनी है, अवॉइड कट क्रॉस इन योर कॉपी। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते होंगे कि जो चीजें सुंदर दिखती हैं वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। यही एग्जामिनर के साथ आपकी कॉपी को चेक करते समय होता है। जब अपनी कॉपी के अंदर आप कितना भी अच्छा लिखते हैं, कितनी भी कंटेंट वाली चीजें लिखें, कितने भी आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, जो चीजें बोली गई एज इट इज आप उसे लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कॉपी के अंदर नीटनेस नहीं होगी, सफाई से आप नहीं लिखोगे, कट क्रॉस बहुत ज्यादा करोगे, ओवर राइटिंग करोगे, तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट आपकी कॉपी से हटने लगेगा। और इसी चीज से आपको एग्जामिनर को बचाना है कि एग्जामिनर के दिमाग में यह बातें ना आए। तो आप जो भी लिखें बहुत सफाई के साथ, बहुत ही क्लीननेस के साथ, कट क्रॉस आपको नहीं करना है। अगर गलती होती भी है आप एक छोटा सा कट मार्क लगाइए, उसको कवर मत करिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप आंसर को लिख रहे थे और छोटी सी गलती आपसे हुई, एग्जामिनर उसे ध्यान भी नहीं देगा और आपको अच्छे मार्क्स देते हुए, पूरे के पूरे मार्क्स देते हुए वह आगे बढ़ जाएगा।
इसलिए जब भी आपसे गलती हो तो घबराए नहीं, नर्वस ना हो, उस गलती को कवर करने के लिए पूरी एफर्ट ना लगाए लगे, क्योंकि जैसे ही आप उसे कवर करने लगेंगे, आप उस पर ओवर राइटिंग करेंगे, उसे कवर करेंगे, और ये सारी चीजें बहुत ही बेकार लगती हैं जब एक एग्जामिनर कॉपी को चेक करता है। वह आपकी कॉपी के अंदर आप कितनी नीटनेस, कितनी क्लीननेस, कितनी ब्यूटी आपने कॉपी के अंदर देते हैं, ये सारी चीज एग्जामिनर चेक करता है। अगली गलती जो कि अंतिम गलती है, जो कि आपको एकदम भी नहीं करनी है, वह है डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के पेपर में पहला ही इंस्ट्रक्शन आपको लिखा होता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और ये एक स्टूडेंट होने के नाते आपका कर्तव्य है, आपका यह सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसमें जो भी जानते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसमें जरूर लिखें, क्योंकि यही एक से डेढ़ नंबर, एक नंबर, आधे नंबर आपको पास कराने में, आपको टॉप कराने में आपकी मदद करते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं कि मान लीजिए किसी बच्चे के 70 में 23 मार्क्स आपके पासिंग होते हैं, और किसी को 22 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 21 मार्क्स का पेपर आ रहा है, और उसने क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, तो एग्जामिनर ये देखता है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या इसने कुछ आंसर लिखा है या नहीं, कुछ रिलेटेड आंसर है या नहीं, वो उसको एग्जामिनर एवरेज मार्किंग करते हुए पास कर देता है, ये देखता है कि इसने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है। तो आप एग्जामिनर को ज्यादा मौका दें नंबर देने का, ताकि एग्जामिनर आपको पास करे और आप ज्यादा मार्क्स ले पाए। यही हाल आपका टॉप करने में होता है, जब आपकी कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, आप उनके आंसर्स को लिखते हैं, एग्जामिनर देखता है कि इसने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत बेहतरीन दिए, हो सकता हो यह क्वेश्चन इसे नहीं आ रहा हो या इसको पूरा आंसर ना याद हो, वह तब भी आपको अच्छे मार्क्स देता है और आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो यह दोस्तों कुछ गलतियां मैंने आपको बताई जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि इन गलतियों से आप सीखेंगे और बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह आप लड़ेंगे और एग्जामिनर से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जाम में आप ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप सभी बोर्ड परीक्षा 2024 जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं उनमें यह वीडियो शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।